हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो आज है सैटरडे और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ नया व्लॉग। सो आज मैं आपसे अपना रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि सैटरडे के दिन जनरली मैं क्या क्या करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ चीज़ों को। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में डिसाइड किया है इडली बनाना। सो इडली बनाने के लिए एक्चुअली मैंने यहाँ पर मही यूज़ किया है। एक्चुअली क्या, आज मम्मी ने सुबह घी बनाया था, तो घी बनाने के बाद जो बचा हुआ छाछ होता है, मही होता है, उसका हम जनरली यूज़ करते हैं इडली बनाने के लिए। तो बस मैंने इसके लिए 2 कप सूजी में इससे मही को मिलाया है और इसको मिक्स कर दिया है, जिससे बैटर तैयार कर लेंगे हम। और थोड़ा देर इसे मैं रेस्ट होने के लिए रख दूँगी, जिससे जो इसके रवा है वो फूल जाए। वैसे जनरली मैं किचन में सुबह 8:30 बजे होती हूँ, बट आज सैटरडे है, छुट्टी है, तो थोड़ा सा आलस आ जाता है। तो आज मैं करीब 9:30 बजे हूँ किचन पे, और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है इस बैटर में, जिससे कि थोड़ा सा अच्छे से फूल जाए। क्योंकि सूजी जितनी ज़्यादा फूल जाएगी, हमने इसे 10-15 मिनट के लिए एक्चुअली रेस्ट होने रखना है, जिससे ये फूल जाएगी तो बहुत अच्छा इडली जो बनेगा बहुत ही स्पॉन्जी बनेगा। तो बस इसे हमें 10-15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देना है। और यहाँ पर मैं साथ में दूध बॉईल कर रही हूँ, ये नन्नू का दूध है जिसमें कि थोड़ा सा पानी मिला हुआ है, और साथ में मैं नॉर्मल वाला दूध बॉईल कर रही हूँ जो कि हम चाय या पीने के लिए यूज़ करते हैं। नन्नू ने सुबह वैसे दलिया दूध खा चुकी है वो, और सौरभ ने भी दूध दलिया खा लिया था, बट अभी ये छाछ बचा हुआ था तो मैंने सोचा चलो इडली बनाते हैं, तो नन्नू का जो मॉर्निंग स्नैक है उसमें वो इडली खा लेगी। तो बस ये बैटर तैयार है और मैं इसमें अब थोड़ा सा सोडा डालूंगी, जिससे कि ये थोड़ा सा फूले। आप चाहें तो इनो भी डाल सकते हैं, बट अभी मेरे पास इनो नहीं था तो मैं सोडा डाल रही हूँ। तो आधा चम्मच सोडा बहुत है, और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा 2-3 मिनट तक के लिए आप अगर इसको रख देंगे तो और अच्छा स्पॉन्ज बनेगा। तुरंत ही अगर आप इसको पकाएंगे तो हो सकता है इतने अच्छे से वो इडली है जो वो नहीं फूले। बस ये जो इडली के मोल्ड्स हैं बनाने के लिए, इसको हमें ग्रीस करके रखना है। साथ में मैं बना रही हूँ मम्मी की चाय, क्योंकि मम्मी को चाय पीना है। और बस मैं अब इस मोल्ड्स में इडली के बैटर को डालूंगी और इसे हम पकाएंगे। जनरली क्या होता है मॉर्निंग के टाइम पे, इस टाइम पे जैसे मैं ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ तो मम्मी सब्जियाँ काटती हैं, तो इसके बाद हम साथ ही साथ खाना भी बना लेते हैं। और जैसे अभी इडली पक रही है तो साथ ही साथ मैं दाल चावल धो लूँगी, तो दाल चावल की भी धुल जाता है और सब्जियाँ कट जाती हैं, बस रह जाती हैं रोटियाँ। तो रोटियाँ भी हम आटा गूंथ लेते हैं और कभी हम बना लेते हैं, या कभी जो हमारे यहाँ मेड आती है फुल टाइम के लिए वो बना देती है। सो बस 5-6 मिनट बाद मैं चेक कर रही हूँ इडली पकी है कि नहीं। तो इसके लिए मैंने नाइफ़ यूज़ किया है, और नाइफ़ को मैं इसमें लगा कर देखूंगी, अगर इसमें मुझे कुछ भी चिपचिपा दिखता है, अभी भी लगा हुआ है, मतलब उसमें चिपक के आ गई इडली, इसका मतलब ये है कि इसे मुझे और पकाना है। तो 1-2 मिनट के लिए मैं और पकाऊंगी। मॉर्निंग का टाइम हम नन्नू के साथ ज़रूर देते हैं, उसको बुक्स में हम ज़रूर लगाते हैं, या तो उसको फ्रूट्स दिखाते हैं, या 1 2 3 सिखाते हैं, या ABCD सिखाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ करके हम उसको बुक्स के साथ आधे घंटे उसका टाइम ज़रूर दिलाते हैं। कौन सा है? ओके। और ये पापाया। गुड। और ये गुड। और ये लीची। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ही इसको पढ़ाऊँ, कभी मम्मी भी पढ़ा देती हैं, कभी सौरभ भी पढ़ा देते हैं, क्योंकि मैं कोई शक्तिमान तो हूँ नहीं कि मैं सारे काम कर लूँ, किचन के भी काम कर लूँ, बच्चों को भी देख लूँ, तो इसलिए मुझे सबकी हेल्प चाहिए होती है। कभी जैसे मम्मी ने किचन का काम कर लिया तो मैंने नन्नू को पढ़ा दिया, या मैंने किचन का काम कर लिया तो मम्मी ने पढ़ा दिया, या सौरभ ने पढ़ा दिया, मतलब इस तरह से हम इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। अब बस मैं यहाँ पर दाल लगा रही हूँ, क्योंकि दाल और चावल मैंने धो ही लिए थे, और दाल का मैं अब कुकर लगा रही हूँ। अभी मम्मी नन्नू को लेकर बाहर बैठी हुई है, मतलब थोड़ा सा वो बाहर भी जाती है, वहाँ पर उसकी एज ग्रुप के बच्चे भी हैं। कभी अगर हो सका तो मैं इसका एक वीडियो सेपरेट करूँगी, नन्नू की जो रूटीन वीडियो है मैं अलग से बताऊँगी, बट सिंस आज मैं अपना रूटीन बता रही हूँ तो इसलिए मैं अभी नन्नू को नहीं शूट कर रही हूँ। तो बस ये नन्नू अभी नन्नू मम्मी के साथ बैठी हुई है बाहर, और वहाँ पर उसके एज ग्रुप के बच्चे हैं, तो वहाँ पर खेल रही है, उछल कूद रही है। तो बस अब यहाँ पर मेरा दाल का कुकर रख चुका है, इसमें मैंने हल्दी और नमक डाला है, और बस इसे हम प्रेशर कुक करने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर इडली पक चुकी है, तो इडली पकने के बाद अब मैं इसको फ्राई करूँगी। तो फ्राई करने के लिए मैंने पैन में थोड़ा सा तेल लिया है और उसमें जीरा और राई डाला है, और इसके बाद मैं इसमें प्याज डाल लूँगी, चाहे तो आप मीठी नीम भी डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। और इस प्याज को लाइट ब्राउन होने तक की मैं इसे भूनूंगी, और इस तब तक की मैं जब तक कि प्याज पक रही तब तक की मैं इडली के छोटे छोटे टुकड़े काट लूँगी, जिससे हमें फ्राई करना आसान रहेगा। और ये लाइट ब्राउन हो चुकी है। इसमें अगर मैं मसालों की बात करूँ तो मसाले में मैं केवल धना पाउडर ही यूज़ करती हूँ, सिंस मुझे इसे नन्नू को देना है, तो लाल मिर्च पाउडर मैं यूज़ नहीं करती हूँ, वो इतना ज़्यादा भी मिर्च नहीं खाती है। तो बस धना पाउडर डालूंगी, और मैं इसमें हल्दी भी नहीं डालती हूँ, मुझे थोड़ा व्हाइट कलर की इडली ही पसंद है।
है, बस इसमें धना पाउडर डालेंगे और जो इडली के पीसेस मैंने किए हैं छोटे छोटे उसको डालकर हम इसे अच्छे से पका लेंगे। बस एक दो मिनट तक की पकाने के बाद ये सर्व करने लायक हो जाएगी। टोमेटो सॉस केचप के साथ दो, बहुत पसंद करेगा बच्चा, आप भी खा सकते हो, आपको भी बहुत पसंद आएगा। मतलब मेरे यहाँ तो मेरे ब्रदर इन लॉ सौरभ ये सब पसंद करते हैं, नन्नू तो पसंद करती ही है, बाकी सब लोग भी बहुत पसंद करते हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। अब इडली बनने के बाद मैं बनाने वाली हूँ सब्जी। सब्जी मैंने बनाने वाली हूँ आज पत्ता गोभी मतलब कैबेज की, और उसमें मैंने डाला है आलू और मटर। इसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज और लहसुन को भून लिया है थोड़े से ऑयल में हल्का ब्राउन होने तक की, और इसके बाद मैं इसमें हल्दी डालूंगी और धना पाउडर डालूंगी, और चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं अगर आपके यहाँ स्पाइसी फूड पसंद करते हैं तो। और बस इसमें हमें सारी सब्जियों को डाल देना है और अच्छे से पका लेना है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डाल लीजिए और इसे ढक कर पकाइए, बहुत अच्छी पकेगी। इसमें पानी वानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा पानी सा होता है जो कि मतलब पकाते वक्त छोड़ देता है, और भाप से हमें इसे पकाना है तो ज़रूरत भी नहीं है पानी डालने की, बहुत टेस्टी बनेगी, बहुत यमी बनेगी। तो इस तरह से सब्जी मेरी पक जाएगी। और मैंने दाल और चावल ऑलरेडी बना चुके हैं, मम्मी का मन है चटनी बनाने का। वैसे हमारे यहाँ पे क्या है, नन्नू की वजह से हम ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मिर्च पसंद करते हैं, तो मम्मी ये करती हैं कि चटनी अलग से बनाती हैं मिर्च वाली, जिससे कि सौरभ लोग को खाने में टेस्ट आ जाए। तो इसके लिए मम्मी ने जो चटनी बना रही है, इस चटनी में मम्मी ने खड़े धनिया डाले हैं, धना पत्ती डाल रही हैं और हरी मिर्च डाल रही हैं। इस चटनी को तो वो चटनी के जैसा यूज़ करेंगी ही, साथ में आज मैंने आपको बताया कि छाछ भी है घर पर, तो वो मतलब रायता भी बनाएंगी, खीरे का रायता, तो उस रायते में इस चटनी को मिक्स करके डाल देंगी, बहुत यमी टेस्ट आता है। तो लहसुन भी डाला है मम्मी ने, अदरक भी डाला है इसमें साथ में, और काला नमक डाल रही हैं, और इसके बाद बस इसको ग्राइंड कर लेंगी, तो जो चटनी बन जाएगी उसको चटनी की तरह तो यूज़ कर ही लेंगी, साथ में इसे रायता में भी डाल लेंगी। तो रायता के लिए मम्मी ने पैन में थोड़ा सा घी लिया है, और वो एक्चुअली रायता में छोका लगाएंगी घी का, हींग का एक्चुअली। सो ये चटनी हमारी पिस चुकी है, और इस घी में मम्मी जीरा और राई डालेंगी, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगी और गैस को बंद कर देंगी। गैस बंद करने के बाद इसमें जो रायता छाछ है उसको डाल देंगी, और जो चटनी हमने पीस रखी है उसको डालना है हमें, और बस ये बहुत बेहतरीन टेस्ट आएगा। अभी आज जो हम बनाने वाले हैं रायता, वो बनाने वाले हैं खीरे का रायता, तो खीरे को हमने थोड़ा सा कस लिया है, कद्दूकस कर लिया है, उसको हम मिला देंगे, या फिर आप चाहो तो बूंदी का रायता भी डाल सकते हो, आपके ऊपर है आप कौन सा रायता बनाना चाहते हो, फ्रूट अगर डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। बट ये जो हरी मिर्च का जो लहसुन का जो हमने ये पेस्ट इसमें मिलाया है उसे बहुत यमी टेस्ट आता है, आप भी ट्राई करिएगा। मतलब मेरी जो मम्मी है वो तो माहिर है चटनी बनाने में और रायता बनाने में, तो मैंने तो नहीं से सीखा है, और बहुत अच्छा लगता है टेस्ट, मतलब खाने के बोलते हैं ना, खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, अगर सब्जी भी इतनी अच्छी नहीं बनी हुई है बट अगर रायता या चटनी है आपके साथ खाने में तो बहुत अच्छा टेस्ट देती है खाने को। और बस लास्ट में मम्मी ने इसमें रायता मसाला डाल दिया है जिससे कि बहुत ज़्यादा यमी टेस्ट आ जाएगा, आप भी इस रायते को ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये तब तक की सब्जी भी हमारी तैयार हो चुकी है, और बस मतलब दाल चावल सब्जी तैयार हो चुका है, रायता तैयार हो चुका है, चटनी तैयार हो चुकी है, बस रह गई हैं चपातियाँ, तो चपातियाँ मम्मी बना देंगी। तब तक की मम्मी ने बोला मैं नन्नू को नहलाकर आ जाती हूँ। सो नन्नू के नाश्ता करने के बाद आधे एक घंटे बाद हम करीब इसको नहलाते हैं, तो नहलाने के लिए इसे मैं ही नहलाती हूँ या फिर कभी मेड आती है तो वो नहलाती है, बट कोशिश करती हूँ मैं 90% की मैं ही नहलाऊँ। जब कभी बहुत लेट हो जाता है या कभी मैं लेट सोकर उठी तो तब की बात अलग है, अदरवाइज़ मैं उसको नहलाती और उसको तैयार करने के बाद उसको मैं हम लोग खाना खिलाते हैं। तो आज मैं नन्नू को खाने में खिलाने वाली हूँ दाल और चावल, और साथ में मैंने कुछ पापड़ तल लिए हैं। तो बस इसको खाना खाने के बाद नन्नू सो जाती है, तो मतलब करीब 1 बजे वो रोज़ सोती है, उसका जो टाइम है 1 से 3 का सोने का, 2 घंटे उसको नैप लेना ही लेना है दिन में। और सो वैसे मेरा ऑफिस 11:30 से होता है, तो मेरे ऑफिस के बाद ही वो खाती है और सोती है, तो कभी मैं आकर खिला देती हूँ या मम्मी के हाथ से भी खा लेती है। मतलब नन्नू की ऐसी आदत है वो किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाती है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मम्मी सुला भी देती है इसको, तो ऐसा हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
हेलो गाइस, सो अभी मैं पूरे खाना वाना बना के फ्री हो चुकी हूँ। मम्मी ने खाना भी खा लिया है और नन्नू ने भी खाना खा लिया है। मतलब मेरा हम लोग का रोज का ये होता है कि मैं और मम्मी मिलके ही खाना बनाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि 11 बजे तक ही पूरा खाना रेडी हो जाए, पूरे काम एक्चुअली रेडी हो जाए। हम लोग क्या, वैसे तो देखो कम बर्तन वॉश करने के लिए आती है और कपड़े धोने के लिए भी बाई लगी हुई है, झाड़ू पोछे की बाई लगी हुई है। बस हम लोग का खाना बनाने का ये काम होता है और नन्नू को देखभाल होती है, नन्नू का जो थोड़ा मोड़ा काम होता है वो होता है। और एक मैंने फुल टाइम मेड लगा रखी है, मतलब कि सुबह 10:30 से लेके शाम को 7 बजे तक की वो रहती है घर में, क्योंकि मेरा 11:30 बजे से ऑफिस होता है तो मुझे ऑफिस अपना देखना होता है, तो उस बीच में वो मम्मी के साथ रहती है, जो छोटे मोटे काम होते हैं घर के या नन्नू का जो थोड़ा मोड़ा काम होता है वो करती है। बट मेरा जो मतलब बट हम लोग के साथ हम लोग का ये होता है कि खाना कोशिश करते हैं कि हम लोग ही बनाएं, और हम लोग जनरली बनाते ही हैं, मैं और मम्मी मिलके ही बनाते हैं हमेशा खाना। तो 11 बजे तक हमारा पूरा खाना रेडी हो जाता है और 11:30 बजे से मुझे ऑफिस के लिए बैठना होता है। तो बस ये इतना होता है डेली का रूटीन, ये ऐसा ही फिक्स है, कुछ नया नहीं होता है, ये डेली ही हम करते हैं। वीकेंड पे सैटरडे को भी मैं यही करती हूँ, बस सैटरडे को ये होता है कि 11:30 बजे से मैं ऑफिस का काम ना करके थोड़ा अपना यूट्यूब वगैरह का काम कर लेती हूँ, और संडे को मैं जो मेरी मेड आती है नन्नू के लिए उसकी हम लोग छुट्टी रहती है, मतलब उसकी संडे के दिन वो नहीं आती है, तो संडे के दिन कहीं जाना है या कुछ एक्स्ट्रा काम है वो कर लेते हैं हम लोग। तो बस यही होता है। अब बस मैं नन्नू सो चुकी है नीचे, मम्मी ने खाना खा लिया है, मैंने अभी खाना नहीं खाया है, मैं खाऊंगी थोड़ा रुक के। मैंने इडली खा ली तो मुझे भूख नहीं लगी है, और नन्नू ऑलरेडी सो चुकी है, तो मैं अभी ऊपर आई हुई थी अपने रूम पे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रूम फैला हुआ है वो भी सही कर लूँ, और मैं थोड़ा सा स्किन केयर भी अपना कर लूँ। फेस मास्क मैं एक्चुअली हर वीक पे ही लगाती हूँ तो वो लगा लूँ। तो अभी मैं कुछ दिनों से जो फेस मास्क यूज़ कर रही हूँ वो है वाओ का फेस मास्क, मतलब अच्छा फेस मास्क है, मैंने काफ़ी दिन से यूज़ कर रही हूँ और सेटिस्फाइड भी हूँ। स्किन बहुत सॉफ्ट फील होती है इसको अप्लाई करने के बाद। सबसे पहली बात, ये जो फेस मास्क है ये एंटी एजिंग, मतलब ग्रीन टी फेस मास्क है, एंटी एजिंग के लिए है बेसिकली। जैसे हम 27 साल के पहुंच जाते हैं तो हमारे स्किन पे रिंकल्स नहीं पड़े, उस टाइम पे हमें बेसिकली उस एज में ही हमें एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। तो ये मैं कुछ महीनों से बोलूंगी, 2 महीनों से यूज कर रही हूँ, तो अच्छे हैं। और इसकी पहली खास बात ये भी है कि पैराबिन्स और मिनरल ऑयल से फ्री है, मतलब पूरी तरीके से सेफ है, नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज किए गए हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस फेस मास्क को कैसे अप्लाई करना है। सो बेसिकली किसी भी फेस मास्क को अप्लाई करने के पहले आपको अपनी स्किन को हाइड्रेट करके रखना होता है। आप चाहे तो अपने फेस को वॉश कर सकते हो, पानी से धो सकते हो, उसके बाद पैट कर सकते हो, तो थोड़ा सा मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। फेस मास्क इजिएस्ट वे होता है आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने का, हेल्दी रखने का, मतलब कुछ मिनटों में आपकी स्किन को बहुत हेल्दी बना सकते हो। ये रिंकल्स फ्री कर देता है आपकी स्किन को, अच्छा स्किन टोन देता है, हाइड्रेट करके रखता है, जो स्किन में जो पोर्स होते हैं उनको रिमूव करता है, मतलब कुछ एक टाइम पीरियड के बाद, मतलब जैसे बोलते 27-28 साल की जो उम्र होती है, इस टाइम पर आपको एंटी एजिंग फेस मास्क यूज़ करना चाहिए। सो मैं हर वीक वाओ स्किन साइंस का ग्रीन टी क्ले फेस मास्क यूज़ करती हूँ, जो कि जिसमें कि ग्रीन टी के साथ साथ कुछ एंटीऑक्सीडेंट भी मिले हुए हैं, जो कि अल्ट्रावायलेट रेस से बचाते हैं और आपकी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ और यंग दिखने में बहुत मदद करता है। साथ में इसमें ग्रीन क्ले मिला हुआ है, जो कि आपकी डेड सेल, डेड स्किन सेल, टॉक्सिन्स और ये जो पॉलीटेंट्स जो भी जमा हो जाते हैं इसको बहुत अच्छे से क्लीन करता है। तो मतलब कि आपको ये यूज़ करना भी चाहिए, बहुत ही पतली परत आपको लगानी है आपके फेस पे, और ध्यान रखिएगा जो आपकी हेयर लाइन है, आईब्रोज हैं, आई लैशेज हैं, इनमें आपको इसे नहीं अप्लाई करना है। सो बस इसे फेस और नेक पे ही अप्लाई करना होता है, और इसको लगाने के बाद 15 से 20 मिनट तक की वेट करना होता है जिससे कि ये अच्छे से सूख जाए। सो 15 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से सूख चुका है, अब मैं जाती हूँ इसे वॉश करके आती हूँ। मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट लग रही है मुझे, मतलब सही है, बट हाँ मुझे थोड़ा सा वॉश जब करती हूँ जब इसको मैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, वो थोड़ा सा स्किन पे चिपका रहता है, थोड़ा सा आपको अच्छे से मसाज करना होता है धोते वक्त, बाकी तो ठीक है। और मैं इसको मैंने बताया 2 महीने से यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे तो सही लग रहा है, मतलब अभी तक यूज़ करने में, और स्किन भी काफ़ी सॉफ्ट रहती है। और ये साफ़ करने के बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, तो बस इस मॉइस्चराइज़र को लगाना है आपको, और बस ड्राई स्किन है जिसकी, उसके लिए भी सही है, क्योंकि मेरी तो थोड़ा नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, तो उसके लिए तो मुझे ये फेस मास्क सही लगा। नन्नू अब 2 घंटे तक के लिए सोने वाली है, मतलब कि वो करीब उठेगी 3 बजे, अभी 2 बज रहा है, 3 बजे करीब उठेगी, फिर उसके बाद मैं उसके लिए कुछ स्नैक्स बनाऊंगी, देखती हूँ स्नैक्स में क्या बनाती हूँ। एप्पल सूजी खीर भी बहुत पसंद करती है वो, चाहे तो वो बना दूंगी मैं।
या फिर अब तो बता भी देती है, मतलब मैं उसे अगर पूछ लूँ कि क्या खाना है नन्नू तो वो खुद बता देती है, मम्मा ये खाना, दो तीन ऑप्शन जैसे मैं उसको बता दूँ तो वो खुद बता देती है ये खाना है, और फिर उसकी पसंद से बनाओ तो फिर वो सही भी रहता है, खा भी लेती है वो अच्छे से। बस अभी तो यही प्लान है, आज के व्लॉग को मैं अभी यहीं पर ख़त्म करती हूँ। सो कैसा लगा आपको ये मेरा व्लॉग ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी रिक्वेस्ट भी लेकर आ रही हूँ, अदरवाइज़ आपको पता है मैं ये व्लॉगिंग व्लॉगिंग करती नहीं थी, बट ठीक है अपनी डेली रूटीन शेयर करते हैं, अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों से, मैं बहुत ज़्यादा पर्सनली कनेक्ट हो रही हूँ, जुड़ रही हूँ, आप लोग मुझे पहचान रहे हैं, तो मैंने सोचा ठीक है सैटरडे है आज और मैं अपना डेली रूटीन क्या क्या कर रही हूँ वो सब मैं आपसे शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं, आप और क्या देखना चाहते हैं, कुछ कमी है अगर मेरी तरफ से तो वो ज़रूर बताइएगा मुझे, तो जिससे मैं कभी नेक्स्ट व्लॉग लेकर आऊँ तो वो वाली कमी उसमें पूरी हो जाए। सो बस व्लॉग को ख़त्म करते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से कनेक्ट होकर।